गुरमति को बंधन नहीं माना जाता, एक मनमति को बंधन, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो कहते हैं कि अगर निजात पानी है, अगर तोड़ना है उस बंधन को, तो उस मनमति वाले बंधन से निजात पानी है और गुरमत में स्थापित हो जाना है। तो ये इस तरह से जो मन कि उस जकड़न में रहते हैं, जो मनमति में रहते हैं, उसको तजना नहीं चाहते हैं, उससे अपना दामन छुड़ाते नहीं हैं, तो फिर मनमत क्या करती है? मनमत हमें अमृत से वंचित कर देती है, आनंद से वंचित कर देती है, शलाघा और शोभा प्राप्त करने की बजाय अपयश हमें दिलवाती है। तो इस तरह से ये मनमति, इससे भी निजात पाने की जहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, वहाँ पर महापुरुष इसकी तरफ हमारा ध्यान भी दिलाते हैं कि हम मनमति के रास्ते पे ना चलें और गुरमति के रास्ते पे चलें, कि गुरमति रंगमान, कि एक गुरमति के अनुसार ही हम इस जीवन के सफर को हम तय करते चले जाएं।